आप सभी को मेरा प्यार है, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप मस्त होंगे, बेस्ट होंगे और आप अपनों के साथ खुशहाल होंगे, रहना भी चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, आज की जो टॉपिक है वो है कि हमारी एक छोटी सी गलती, हमारा एक छोटा सा बचपना या छोटा सा इग्नोरेंस कितना नुकसानदायक, कितना भारी पड़ता है, उसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहेंगे। एक बार की बात है, एक बहुत ही बुज़ुर्ग और बहुत ही ईमानदार, सादगी जीवन जीने वाले माँ बाप थे। उनका एक बेटा था। उन माँ बाप का जो बेटा था बहुत ही दुलारा और प्यारा था, लाडला था। उन माँ बाप को बहुत काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई थी, सो इसलिए उसका दुलार प्यार और भी ज़्यादा अधिक था। इन सारी वजहों की वजह से वो लड़का दिन प्रतिदिन, उसकी चरित्र, उसके आदतें, उसका रहन सहन धीरे धीरे बिगड़ता चला जा रहा था। इस बात को लेके वो माँ बाप बहुत ही चिंतित रहा करते थे कि जिस दिन ये लड़का बड़ा होगा, सेल्फ डिपेंडेंट, अपने पैर पे खड़ा होगा, अर्थात ये जिम्मेदार होगा, तो ना ही कोई भाई है इसके और ना ही कोई बहन है इसके, और हम लोग तो ऐसे भी उम्र के इस पड़ाव में हैं, ना जाने इसका क्या होगा। हमेशा उसको समझाया करते थे कि बेटा ऐसी कोई गलती ना करो जिससे कि आपका करियर खराब हो जाए, कि वक्त जो बीत जाता है वो वापस नहीं आता है। चूँकि बचपना के बाद हर किसी को एक दिन जिम्मेदारी वाला भी दिन या जिम्मेदारी भी उठाना पड़ता है। सो वो लड़का इस बात को सुनकर, समझकर हमेशा अपने माँ बाप को एक ही तर्क लगाता था कि मम्मी अभी हम छोटे हैं, बचपने हैं, हमें छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं, नो डाउट्स जब हम बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, जब हम जिम्मेदारी ले लेंगे तब हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, अर्थात अपने आप को सुधार लेंगे। लेकिन हालात कुछ ऐसा हुआ कि दिन प्रतिदिन चीज़ें ख़राब होती जा रही थी। इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए उनके माँ बाप आपस में डिस्कस और चिंतन मनन किया करते थे। हमेशा इस बात को लेकर वो काफ़ी चिंतित रहते थे कि आखिर इसको जितना समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ये उतना ही तर्क लॉजिक लगाकर हम लोगों को समझा बुझा कर सीरियस नहीं हो रहा है, दिन प्रतिदिन इसकी आदतें और ख़राब होते जा रही हैं। सो कई बार समझाया, बार बार समझाया, वो नहीं समझ पा रहा था या समझते हुए भी ना समझने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए दोस्तों उन माँ बाप को किसी ने बताया कि शहर के पास में एक बहुत ही नामी और अनुभवी एक गुरुजी रहते हैं अपने वाटिका में, अपने कुटी में, शायद उनके पास अपने पुत्र को लेके जाओ, उनसे मिलो, कुछ दुआएं, कुछ आशीर्वाद दिलाओ जिससे कि आपका लड़का ठीक हो जाए। तो वो माँ बाप अपने बेटे को लेकर उस गुरुजी के पास गए और गुरुजी के पास पहुँचने के बाद बहुत ही सम्मानपूर्वक शब्दों से, एक्शन से उस गुरुजी का चरण स्पर्श किया, अभिनंदन, अभिवादन किया, प्रणाम किया और बहुत ही सरल शब्दों में, मधुर शब्दों में अपने इस पुत्र के बारे में बताया कि गुरुजी, हम लोग इस बात से बहुत ही चिंतित हैं, आप ही ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि हमारे भी जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन और नाम पहचान आ पाए, क्योंकि हमारा यही अंतिम और फर्स्ट दोनों लड़का है। सो उस गुरुजी ने अपने स्तर से समझाया, उस लड़के से भी पर्सनली बातचीत किया, उनके माँ बाप से भी जानने की कोशिश किया कि आखिर कैसे समझाया, क्या किया क्या इतने दिनों में। सारी बातें सुनने के बाद वो गुरुदेव अपने यथास्थान से खड़े हो गए और उस बच्चे का, उस बालक का
हाथ पकड़कर उनके माँ बाप के साथ उसको अपने ही कुटे के बागीचे में ले गए। बागीचे में ले जाने के बाद गुरुजी उस बागीचे में धीरे धीरे टहल रहे हैं उस बच्चे के साथ, माँ बाप के साथ। इतने में अचानक जब वो बागीचे के अदर साइड में गए तो वहाँ पे छोटे छोटे वृक्ष के पौधे लगे थे, या पौधे लगे थे, पेड़ के पौधे थे छोटे छोटे। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा आप इस पौधे को उखाड़ दो। अब वो लड़का गुरुजी की बातों को फॉलोअप करते हुए गया, पौधे को पकड़ा और अप्रूटी जड़ से उसको उखाड़ दिया। गुरुजी कहे वाह बेटा वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर धीरे धीरे टहलते हुए उसी बागीचे में थोड़ा और आगे गए। अब उस वृक्ष से बड़ा, उस पौधे से बड़ा एक दूसरा पौधा था। गुरुजी ने बोला कि इसको भी उखाड़ दीजिए। जैसा कि शिष्य ने तुरंत बातों को फॉलोअप करते उस भी पौधे को पकड़ा और जड़ से उखाड़ के रख दिया। गुरुजी के शाबाश बेटा बहुत अच्छा। फिर वो गुरुजी घूमते घूमते टहलते टहलते और गए आगे, फिर उन्हें उससे भी एक बड़ा पौधा मिला। फिर गुरुजी ने वही सेम बातें, सेम आदेश दिया कि बेटा इस पौधे को उखाड़ दीजिए। और शिष्य ने विगत पहले से वो लगातार कंटिन्यू उखाड़ते आ रहा था, उन्होंने उस वक्त भी उस पौधे को पकड़ा। थोड़ा इसमें ताकत ज़्यादा लगाना पड़ा पहले की अपेक्षा, थोड़ा साल का साकस लगा, टाइट पकड़ा, फिर उखाड़ फेंक दिया। ऐसे कर करके कंटिन्यू लगभग गुरुजी ने उस बालक से 7 से 8 स्टेप में या 7 से 8 प्रकार के पौधों को इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर और बड़ा उखड़वा दिया। अब धीरे धीरे करके गुरुदेव अब एक बड़े वृक्ष के पास, समथिंग 10 फीट हाइट से बड़ा था, उस वृक्ष उस पेड़ के पास ले गए। बोले बेटा लजी गुरु जी, बोला इस पेड़ को उखाड़ो। अब बालक ने उस पेड़ को पकड़ा कस के, काफ़ी ताकत लगा था। अब वो पेड़ नहीं खुल रहा था। क्यों नहीं खुल रहा था? क्योंकि ये पेड़ पुराना था, कई बरसों का हो गया था, मोटा था। लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद, काफ़ी ताकत लगाने के बाद वो उखड़ गया। तब इसको बड़ी गैस्पिंग हुई, काफ़ी ताकत लगाना पड़ा। अब ये फिर से जो है सामान्य अवस्था में आ गए। फिर गुरुजी और आगे गए उसी बागीचे में, अपने कुटे के बागीचे में। फिर लास्ट में गुरुजी ने बोला एक बहुत ही विशाल, समथिंग 20 साल पुराना एक वृक्ष था। गुरुदेव ने बोला कि बेटा इस पेड़ को उखाड़ दो। अब वो लड़का ऐसे अपना हाथ फैलाया, वृक्ष को अपने हाथों के अंदर किया, काफ़ी जोर लगाया, काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वो वृक्ष उखाड़ने की तो बात छोड़िए, उसको हिला भी नहीं पा रहा। बोले बेटा और जोर से, और जोर से, और ताकत लगा लो। अब इस बालक से जितना हो सकता था अपने बुद्धि विवेक और ताकत के आधार पर कई प्रयास किया, जरूरत से ज़्यादा बल लगाया, लेकिन वो वृक्ष उखड़ नहीं पाया। तब गुरुदेव उस बालक के साथ उस माँ बाप को लेके जाके कोठी में बैठ गए और उस बालक से एक एक करके जिन्होंने उस वक्त गुरुजी के दिए गए आदेश के अनुसार पहले छोटा पेड़ उखाड़ दिया, फिर और बड़ा उखाड़ा, फिर और बड़ा उखाड़ा, फिर और काफ़ी बड़ा हो गया, तो उसको काफ़ी ताकत लगाने पड़े और लास्ट में नहीं उखाड़ पाया। तब गुरुजी ने उदाहरण के साथ उस बच्चे को समझाया कि बेटा आज आप बोल रहे हो ना कि हम छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे, जब जिम्मेदार हो जाएंगे, या जब शादी विवाह हो जाएगा, या जब माँ बाप कुछ करने लायक नहीं हो, काफ़ी बुजुर्ग हो जाएंगे, तब हम अपनी आदतों को सुधार लेंगे, इम्प्रूव कर लेंगे, या अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेंगे। सो इस एक्शन प्लान से या इस किए गए कार्य के आधार पर समझाना ये चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से एक छोटा पेड़ का पौधा था तो आपने उखाड़ दिया, उससे बड़ा था तो आपने उखाड़ दिया, और ताकत लगाना पड़ा, और ताकत लगाना पड़ा, लेकिन वही पौधा जब एक विशाल वृक्ष बन गया तो आप चाहते हुए भी उसका उखाड़ नहीं पाए। अर्थात अब आप समझ गए होंगे, ठीक इसी प्रकार से मानव जीवन में गलतियाँ होती रहती हैं।
व्यक्ति अगर अपनी छोटी सी गलती पे, प्रथम गलती पर, फर्स्ट गलती पर कंट्रोल करना चाहे, ध्यान दे, मैनेज करना चाहे, अपने आप को अनुशासित रखना चाहे तो रख सकता है, लेकिन वो इन्हीं छोटी छोटी बातों को, गलतियों को, अनुशासन को फॉलोअप नहीं करता, ध्यान नहीं देता या अनुशासन में रहने की कोशिश नहीं करता है, और यही इसकी गलतियाँ, यही इसकी इच्छाएँ, यही इसके बैड हैबिट्स दिन प्रतिदिन एक दिन उस विशाल वृक्ष की तरह इतने विशाल, इतने बड़े, इतने जघन्य हो जाते हैं कि व्यक्ति उस सिचुएशंस में अगर सुधरना भी चाहे, बनना भी चाहे, करना भी चाहे, कंट्रोल भी होना चाहे तो कंट्रोल नहीं हो पाता। सो दोस्तों, अपनी छोटी से छोटी भी गलतियों पे आप ध्यान दें। आपने क्या बोला, आपने क्या वादा किया, आपने कौन सी भाषा का प्रयोग किया, आपका भी अपना एक आत्मसम्मान है, अपनी एक आज़ादी का सीमा है, क्योंकि आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आपको जो भी दिल चाहेगा, जिसको भी दिल चाहेगा आप वही करेंगे, क्योंकि दोस्तों आज़ादी का एक सीमा निर्धारित है। आप वहीं तक आज़ाद हैं जहां तक कि किसी भी व्यक्ति विशेष को आपके द्वारा किसी भी प्रकार का कष्ट या ठेस ना पहुंचे, आप वहीं तक आज़ाद हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं, हमारी भी एक आज़ादी का सीमा है। यदि आपके द्वारा, आपके शब्दों से, आपके कर्मों से, आपके आदतों से, आपके प्लानिंग से किसी भी व्यक्ति विशेष को कहीं भी ठेस या नुकसान पहुंच रहा है तो मीन्स आप अपनी आज़ादी का सीमा पार कर गए हैं। सो दोस्तों, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, अपनी छोटी मोटी गलतियों को आज ही सुधारिए, आज ही ध्यान दीजिए, आज ही कमिटमेंट कीजिए अपने आप से, आज ही शपथ लीजिए कि आज के बाद हम ऐसी कोई भी गलती, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या आध्यात्मिक स्तर पर नहीं करेंगे या अपनी गलतियों को कंट्रोल करेंगे, जिससे कि किसी भी व्यक्ति विशेष को, इस प्रकृति को नुकसान ना पहुंचे, ठेस ना पहुंचे। क्योंकि दोस्तों, जो इंसान अपने इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया, अपने आप को अनुशासित कर लिया, अपने आप को अनुशासन में रहने की आदत डाल लिया, उसकी ज़िंदगी में तरक्की, उसके लाइफ में प्रमोशन, उसके लाइफ में वो जो चाहेगा वो प्राप्त कर लेगा, चाहे वो नेचुरल है या अननेचुरल है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, बशर्ते खुद को कंट्रोल रखना अपने बस में होना चाहिए। बाकी आपका दिन शुभ रहे, बेस्ट आप लगे।